faculty member G. P. Parala Rehan Farmaye. Department के नाराज होने के बाद वो हमसे नाराज वो कहेंगे सर 30 लाख रुपए में एक ऐसा बंदा प्रोड्यूस किया है जो 20,000 रुपए वाली उसकी वैल्यू नहीं, आप क्या कर रहे थे उस पे जिस खेत से दहना को मयसर ना हो रोजी उस खेत के पोषाए गंदम को मैं उस यूनिवर्सिटी को क्या करूँ यार, मैं उस लैब का क्या करूँ। तो वो लड़के कराची भी आए इधर भी आए, वो हमार लड़का है उसके क्लास में सी एस के थे, उसने कहा यार वो हमार भाई वो मेरे सी ओ कह रहा था यार कोई जावास्क्रिप्ट किसी को आती हो ना उसको ले आओ। तो मैंने आपका बात किया तो उसने कहा कोई बात नहीं अगर वो 2-3 महीने सीख लेना तो मेरे पास आ जाए, मैं 30,000 कर। तो यूट्यूब पे गया, इंटरनेट पे गया, जावास्क्रिप्ट सीख ली। उस बच्चे का दिमाग चलता था हमारा, बाज दफा जाने दिमाग बनाए होते हैं, उसका चल गया। उसने 2 महीने में बगैर पैसों की सीखी, इंटरव्यू दिया, वो 35,000 चला गया। वो उसका पैशन बन गया, जुनून बन गया, रुपये वो सीखता चला गया, वो 1 लाख रुपये के करीब पहुँच गया। वो कराची एयरपोर्ट पर मुझे मिला, वो इसका लाहौर से आ रहा था, मैंने सलाम दुआ की, खैरियत पूछी, उसने कहा सर आई ज्वाइन। मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था वो, आप जनाब वो 1 लाख प्लस के ऊपर वो काम कर रहा है, और मेरे बेटे ने भी सी एस की है, और उसके बराबर बराबर मेरे बेटे की 75,000 आई बी से सी एस किया हुआ है, और उसने जी पी से किया है, और वो कोर्स पढ़ा ही नहीं, खुद सीख कर उस लेवल पर पहुँच गए। तो जनाब हम इसका तो हम कहेंगे ठीक है यार यूनिवर्सिटी ने जो करना था कर दिया, अब आप अपनी दुनिया पैदा करें। ठीक है जनाब, हम आगे चलते हैं जनाब। ये हमारी ये हमारा सी डी की तस्वीर है जहाँ पर हमारे ऑफिस हैं, तो अगर कभी मौका मिले कराची आने का तो हमारे पास चाय की कुछ ज़्यादा इसरार करेंगे तो खाना और इसरार करेंगे तो अगर ग्रुपशिप को तो देखने की ठहरने के इंतजाम भी आने देंगे, अंदर आने देंगे या खाना खिलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा ओपन है बेटा, अल्लाह करे ओपन रहे। इसलिए कि असल में जब आप जब कोई प्यार से बुलाएगा एक शख्स से आ जाएगा, जब आप तो उस तरीके से बात करेंगे तो वो हम मजबूर हो जाएंगे कि ये भी चीज़ें कल हमने दोहरा ली थी। तो ये प्रिंसिपल्स थे ना, ये देखिए ये 5 प्रिंसिपल्स थे। बर्डी नाइन कहता है कि ठीक है आप ये कहें कि हमने अच्छे काम करते हैं, रॉक्स हैं, नुकसान बाजी कह सकती थी कि मैंने कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री लीडर बना, तो आपको पता ही नहीं आपके साथ। मुझे पता था कि मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉप करूँगा और एमएससी इंजीनियरिंग करूँगा और 12 साल गैस टरबाइन चला कर बिजली बनाऊँगा, और फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं यार, ये खुला तजाद नहीं है तजाद। मैं मैथमेटिक्स इतना मैथ पढ़ा अपने बीएससी में, फिर एमएससी में इतनी डेरिवेशंस की, डिफरेंशियल इक्वेशंस की और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस की, अभी मुझे लगता है ये 5वीं जमात का मैथ काफ़ी है यार, बस क्लास 5 का मैथ काफ़ी है। कभी हम मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, कभी एचआर पढ़ा रहे हैं, तो हम तो ये मैं प्लान कर सकता था इस जर्नी नो सर। तो हम क्या कहते हैं कैरियर काउंसलिंग को बस करो, कि कैरियर काउंसलिंग मुझे क्या बताएंगे यार, वो सितारा तुझे तेरी किस्मत की क्या खबर देगा, वो खुद फ्राक ये फ्लाक में खाल हो, वो टीचर वो प्रोफेसर वो कैरियर काउंसलर मुझे क्या बताएगा, उसको अपने कैरियर का नहीं पता बेचारे, उसको क्या पता अपने कैरियर का। इसलिए कहते हैं कि डोंट गो टू कैरियर काउंसलर्स, किसके पास जाओ, इफेक्चुएशन सीख लो। इफेक्चुएशन ये कहती है कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी, पूरी ज़िंदगी बर्डन एंड डेवलप करो, पूरी ज़िंदगी एक्सपेरिमेंट करो, तोते बकरियाँ कुत्ते बिल्ले प्रोग्रामिंग डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक जो अच्छा लगता है ना वो एक्सपेरिमेंट कर लो, 2 महीने 3 महीने ट्रैवलिंग। अब हमारा दोस्त बन गया, वो एक लड़का है 10 जमात पढ़ो, वो तोते पालता है और बेचता है और महीने का 30 लाख पालता रहता है, हम बहुत वो कहते हैं आप सब तोते पालना शुरू कर दो, इतनी मार्केट है पाकिस्तान, उसका स्पेशली लाहौर में है लड़का,
आप फेसबुक पे देखें मिल जाएगा। उसने कहा कि मैं एक दिन हम इंग्लैंड से आए, मैंने मैट्रिक किया और मैं आलम बना मदरसे से, हमारे अबू जरा रिलेटिवली वेल ऑफ थे, हमने ड्राइवर रख लिया, तुम्हारा ड्राइवर था ना वो पेशावरी चप्पल और अच्छा कोट पहन कर आता था। हमने कहा खान बाबा पैसे 20,000 हैं, ये कपड़े कहाँ से लेते हो? उसने कहा मैं तोते पालता हूँ और महीने में 2-4 तोते 30-30,000 के बेचते। उनका अंकल मुझे भी सिखा दो, मैं तुम भी सीख लो। और उसने तोते पालना सीखे और स्पेशल ब्रीड के तोते हैं जो अमीर लोग खरीदते हैं। और उसने यूट्यूब पे गया, गूगल पर गया, अमीर थे वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, 4 महीने का कोर्स करके आ गया और अपने घर के अंदर ही पूरा फॉर्म बना हुआ है। आप यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसका नाम नहीं मिले यार, ए पर्सन इन लॉर्ड सेलिंग डायरेक्ट्स। तो यार ये आपको बुरे लगते हैं 30 लाख रुपये? जी की भी चले रहो यार और चले रहो IBA लंच भी, लेकिन ट्राई टू फाइंड योर गिग्स। सिलाई कढ़ाई डिज़ाइनिंग योगा, हमारी खातून हैं वो योगा की माहिर हैं, हमारे कोर्स में आई मदर हैं। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ? तो उनको ख्याल आया कि मैं अपने रिश्तेदार अमेरिका कनाडा में, उनको कहा कि जिसने स्मार्ट एंड स्लिम रहना है, मैं उसको स्काइप पे, उस वक्त स्काइप था 3-4 साल पहले की बात, मैं स्काइप के ऊपर उनको योगा की कंसल्टिंग करा दूँ, ऑनलाइन कोर्स करा दूँगी। वो अपने रिश्तेदारों को मुफ्त कराया, वो हेल्दी हो गई, फिट हो गई। उनकी हमसाई ने पूछा बहन ये तुम्हें बड़ी स्मार्ट लग रही है, व्हाट हैपेंड? इन्होंने कहा कि आई जॉइंड अ कोर्स फ्रॉम पाकिस्तान। उसने फिर क्या कहा होगा? Wow. फिर क्या कहा होगा? मुझे नहीं पता। आई कैन आई गेट द नंबर प्लीज? एंड शी स्टार्ट मेकिंग मनी। और वो जो मैम है ना, उनके 1 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब। डॉक्टर शाहिद कुरैशी के थोड़े से व्यूज, उनका नाम है, इसका नाम है भी याद आ जाएगा, पेरेंटिंग के ऊपर, पेरेंटिंग पे टॉप पे चली गई। उनके बच्चों को तोतले तक बोला नहीं जा रहा। इस कोर्स के बाद उसने अपने बच्चों को तरबियत देनी शुरू की, योगा सिखानी शुरू की, इन दोनों की मास्टर बन गई 4 साल में। BA पास खातून, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर है पूरी दुनिया में, जनाब लोगों को पेरेंटिंग काउंसलर है, जिनके बच्चों को मसला हो उनको काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करती है, उसके पैसे चार्ज करती है, यूट्यूब भी है, खुद भी कर रही है। अल्लाह हू अकबर। और वो जनाब इस कोर्स में आ गए। वो कोर्स में जब बर्डे लैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वो अब खाला को मिलने गई, तो उनको तो पता ही नहीं था बर्डे लैंड के, समझ नहीं आ रही। वो खाला ने कहा बेटा मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो उनको बीमार थी, उनके किसी कस्टमर ने कहा आंटी मेरी दादी, कैन यू प्लीज डू मसाज? उनका बेटा मैं तो बीमार हूँ, तो उनका मैमूना कैन यू डू इट फॉर मी? तो मैमूना ने कहा कि आंटी मुझे तो आता नहीं, कहते मैं अभी सिखा देती हूँ ना, ये आधा घंटा बैठो। उन्होंने आधे घंटे में सिखाया, वहाँ गई और जो कमिटेड हो, माँ हो, औरत हो, और अल्लाह नीडी हो, अल्लाह का फजल हो, जो भी अच्छा काम करेगा ना उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। वो उनको आंटी को पसंद आ गया, उसने 2,000 और को बता दिया और वो जनाब आंटी ने 2,000 रुपये दे दी। जिसकी तनख्वाह 19,000 हो उसको 2 घंटे में 2,000 रुपये मिल गए। और उस आंटी ने आगे बता दिया और वो हमारी क्लास हो रही थी, 8 जमात पास खातून, वो मेरी क्लास रोकती, कहती सर ठहरे पहले मेरी बात सुन, लुक एट द करेज। 8 जमात पास खातून IBA में आती, कोर्स करती और फिर जुर्रत से मेरी क्लास रोकती है, कहती सर मेरी कहानी सुने पहले, 35,000 रुपये बना लिए इस हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह। अब लम्ब और IBA के प्रोफेसरों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही नहीं होगी चीज़, वो तो चमक दमक के लोग हैं। अल्लाह ताला ने करम किया, मैंने कहा क्या हुआ? उनका जी वो वर्ड ऑफ माउथ कहता चला गया और मेरे हस्बैंड आ जाते हैं दोपहर को, शाम को 2 घंटे हमने रखे हुए, मुझे ले जाते हैं और मदर्स और ग्रैंड मदर्स की मैं फिजियोथेरेपी
यूट्यूब से सीख लिया, किसी भी सीख लिया, मेरा काम चल पड़ा। फिर चंद हफ्ते बाद उन्होंने बताया सर एक और काम शुरू हो गया। मैंने कहा वो कैसे? कहने कि मैं फिजियोथेरापी करने गई, एक आंटी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी होनी है, उपटन लगा सकते हो? मैंने कहा सर मैम कल बताऊँगी, मैं चेक कर वापस आई। अब उनको पता था कि बर्थडे डेन कॉन्सेप्ट को तो किसी से पूछेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, यूट्यूब बर्थडे लैंड है, फ्रेंड्स बर्थडे लैंड है, क्लास फेलोज बर्थडे लैंड है, कि अब्दुल्ला साहब आपके बर्थडे लैंड हैं, मैं आपका बर्थडे लैंड हूँ, आप मेरे बर्थडे लैंड हैं, ठीक है जी, हम सब, जहीर साहब आप